राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में गठित एक देश एक चुनाव समिति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। लोकसभा राज्यसभा पंचायत चुनाव एक साथ कराबा की संभावना माते दी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नवी दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना लाभार्थियों से करेला संवाद। 1,00,000 स्ट्रीट वेंडर्स ने ऋण भी करेला वितरित। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल रो कराया शुभारंभ। कार्यक्रम रो प्रदेश का कई जिला में करो गयो प्रसार। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नवी दिल्ली में आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की संशोधित वेबसाइट रो कराया शुभारंभ। प्रसार भारती प्रसारण खातर साझा ऑडियो विजुअल शब्द भी कराया जारी। प्रदेश में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर सू छाया व्या आंशिक बादल। कई जोड़ा माए आंधी चाल वाले साथ भी हल्की बिरखा। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपका गुणगुण स्वागत है। ऐसा मैं हूं प्रसा ज्ञानूजा और चालू खबर जो विकतवार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में गठित एक देश एक चुनाव समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सौंप दी है। लोकसभा राज्यसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराबा की संभावना माता रिपोर्ट दी गई है। इन रिपोर्ट में चुनाव प्रक्रिया व और सुरक्षा बढ़ारी जरूरत सहती कई आवश्यकता ने भी शामिल करो गयो है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नवी दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना लाभार्थियों से संवाद करेला। इन मौका माते प्रधानमंत्री 1,00,000 स्ट्रीट वेंडर्स ने ऋण भी वितरित करेला। अबारताई 62,00,000 सुबत्ती स्ट्रीट वेंडर्स ने 10,978 करोड़ रूपया सुबत्ती री राशि दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल रो वर्चुअल जरिया सु शुभारंभ कराया। प्रधानमंत्री रा कार्यक्रम रो प्रदेश रा कई जिला में प्रसारण करो गयो जिनमें लाभार्थिया प्रधानमंत्री सुसंवाद ने सुनिया। इनी कड़ी में जयपुर स्थापित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहती कई लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता व्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में समाज रा वंचित वर्ग ने सशक्त करबारो काम करो जा रहे हैं। का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि पिछड़े वर्गों को शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान किए बिना कोई भी राष्ट्र अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। केंद्र की सरकार और राज्य की है सरकार डबल इंजन के रूप में काम कर रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार युवा महिला गरीब किसान के हित में हमेशा काम करेगी। जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत की जो मांग रखी है बात रखी है, हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भारत बनेगा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी री कारणी सु वंचित वर्ग का खातर आउटरीच कार्यक्रम के तहत पीएम सूरज पोर्टल रो शुभारंभ करो गयो। हनुमानगढ़ माए जिला मुख्यालय माते पंचायत समिति सभागार माए कार्यक्रम रो वर्चुअल प्रसारण करो गयो। इन बगत जिला परिषद सीईओ सुनीता चौधरी परियोजना प्रबंधक सुरेंद्र पूनिया अमित साहू सहती कई लाभार्थी मौजूद रहा। कार्यक्रम री बगत सामाजिक न्याय और अधिकारिता महकमा और अनुजा निगम री कई ऋण योजना वाला लाभार्थियों ने स्वीकृति पत्र सौंपा गया। साथ ही चिकित्सा और स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड और बैंकिंग योजना द्वारा भी स्वीकृति पत्र दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सू टोंक जिला मुख्यालय मात है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित सूरज राष्ट्रीय पोर्टल रो शुभारंभ कराया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश भर रा लाभार्थियों सू
सीधो संवाद भी कराया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया कहा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सगड़ा वंचित वर्ग का कल्याण रो प्रयास कर रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से आज चूज पोर्टल की शुरुआत की है और जो बिल्कुल वंचित लोग हैं उन सब तक पहुँचने के प्रयास किए हैं, और मैं समझता हूँ जो सफाई कर्मचारी हैं जो गटर में उतरता है जिस हिसाब है उसको किट हमने दिए आज, मैं समझता हूँ इन सबके लिए माननीय प्रधानमंत्री एक वंचित जो परिवार हैं उन तक भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस पोर्टल से वो आदमी जो कहीं नहीं जुड़ पा रहे उन सबको भी इसका लाभ मिले। आज सभी यह है कि अभी 51 लाख का चेक हमने राज्यों के समूह में दिया, मैं कह रहा हूँ 10-10 हज़ार के चेक हमने बहुतों को दिए। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से आज जो आम गरीब आदमी है उसको भी सीधा लाभ मिल रहा है और वो कई योजनाओं से जुड़ता जा रहा है। तो आज देश का बदलाव आप सब जो देख रहे हो इस तरफ यही है कि आगे जो सोच है उस सोच ये गरीब तक पहुँचे, तो माननीय प्रधानमंत्री का यही है कि जो गरीब वंचित पिछड़े जो हैं उन सबको भी आगे लाया जाए, जो गाड़ी लोहार है उन तक भी लाया जाए, जो घुमंतु है उनको भी जोड़ा जा रहा है। तो आज की डेट में कोई वर्ग ऐसा नहीं बच रहा जो कहीं ना कहीं लाभान्वित नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रधानमंत्री सूरज राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत करी। कार्यक्रम रो सवाईमाधोपुर में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय रा कॉन्फ्रेंस हॉल में सजीव प्रसारण करो गयो। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर रा लाभार्थियों से संवाद कराया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी जिला रा लाभार्थियों ने संबोधित कर माननीय राज्यपाल महोदय जी, पिछले 10 वर्षों से जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वंचित अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं, विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए, वही विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने जैसी प्रशंसनीय कार्य किए। इस आउटरीच कार्यक्रम के में देश के 525 जिलों से विभिन्न ऋण योजनाओं से लाभान्वित 3 लाख लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल नई दिल्ली में आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की संशोधित वेबसाइट रोज शुरुआत करिया। ठाकुर इन मौका माते संशोधित न्यूज ऑन ARI ऐप भी जारी करिया। प्रसार भारती प्रसारण खाता साझा ऑडियो विजुअल शब्द भी जारी करिया जो 50 वर्ग में सगड़ा प्रमुख भारतीय भाषावा में समाचार प्रदान करेला। इन मौका माते वणा कया कि देश विदेश में प्रमुख सूचना वारो आदान प्रदान करवा में प्रसार भारती अपनी खास भूमिका निभाया। प्रसारण क्षेत्र एक बहुत ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। भारत में एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर की भूमिका निभाने वाले प्रसार भारती के चाहे दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो ने वर्षों तक एक लंबी अपनी सेवाएं दी हैं और देश के कोने कोने तक अपना नेटवर्क स्थानीय भाषाओं में भी उसको बहुत बढ़ावा दिया है, और ये प्रयास किया है कि अंतिम छोर पर खड़े हर उस व्यक्ति तक रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से सुलभ और गुणवत्तापूर्वक समाचार पहुंचाने का या फिर सूचना पहुंचाने का एक जिम्मेदारी के साथ पिछले कई दशकों तक वो काम किया है। प्रसार भारती ने राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है, और देश विदेश मैं तो ये कहूँगा चाहे रेडियो के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से भारत में जो कुछ बदलाव आए, जो सुधार हुआ, भारत जो आगे बढ़ा उसको देश दुनिया तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका प्रसार भारती ने अब तक निभाई है। अब वो जैसे अपना सार्थक कंटेंट और स्ट्रीक कंटेंट ये केवल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो तक सीमित नहीं रखना चाहते, देश भर में हजारों ऐसे स्ट्रिंगर्स या अपने नेटवर्क के जो बाकी लोग हैं उनके माध्यम से विभिन्न भाषाओं में जो प्राप्त होने वाले समाचार और सूचना है उसको उस देश के हजारों समाचार पत्रों और सैकड़ों चैनल्स के साथ शेयर करने के लिए तैयार है।
ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी कदम है। इसमें आपको डीडी का लोगो का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और क्लीन फीड आपको इसमें मिलेगी, सही समय पर मिलेगी, स्थानीय भाषा में मिलेगी। और देश के कोने कोने में क्या हो रहा है, जहां तक एक छोटा समाचार पत्र, मैगजीन या चैनल जिसको सूचना लेने में बहुत दिक्कत आती थी, वो कभी इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा ही नहीं कर सकता था, आज उसके लिए वो नेटवर्क 24 घंटे 365 दिन अगले 365 दिन के लिए बिल्कुल मुफ्त में प्रसार भारती ने आपको ऑप्शन दे दी है। एक बहुत बड़ी पहल जिससे आपके पास बहुत सारे तरह का कंटेंट आएगा। और इसमें जो तीन अभिनव शुरुआत आज किए गए हैं, पीबी शब्द जो कि शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन, जिसमें हमारे स्टिंगर्स के माध्यम से आपको ऑडियो विजुअल कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा हमने डीडी न्यूज, आकाशवाणी न्यूज की वेबसाइट्स को रिवैम्प किया है और न्यूज ऑन एयर ऐप को भी हमने रिवैम्प करके आपके सामने आज समर्पित किया। पार्ली जिला माए लघु उद्योग भारती लुगाए ने आत्मनिर्भर बढ़ावा माए आपली कास भूमिका निभा है। इंडी जुगत सु आज अठहरी लुगाया कई लघु उद्योगों से जुड़ आपका परिवार ने आर्थिक रूप से संबल दे रही है। हाल ही में लघु उद्योग भारती रियायती दरा माते लुगाया खातर चूड़िया माते नगीनो लगावा आली मशीन उपलब्ध कराई। एक मशीन माते करीब 20-25 महिला काम कर स्वरोजगार से जुड़ रही है। इसी प्रकार से चूड़ी पर जो नगीने लगते हैं, इसके लिए भी एक मशीन पहले चाइना से आती थी, उसको स्थानीय स्तर पर चूड़ी व्यापारियों के सहयोग से तैयार किया गया। लगभग 60-70 हज़ार की ये जो मशीन है, ये अभी तक 500 से ज़्यादा महिलाओं को उपलब्ध करवाई जा चुकी है और घर पर ही एक मशीन पर 10 से 15 महिलाएं इस पर आराम से काम करके आत्मनिर्भर भी बन रही है और खुद रोजगार भी प्राप्त कर रही है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कहा कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करनो मैं सबकी री नैतिक जिम्मेदारी है। उप मुख्यमंत्री बैरवा जयपुर राय एक निजी कॉलेज में आयोजित बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कार्यक्रम में संबोधित करया। इन मौका माते वर्णा कहा कि बेसिक लाइफ सपोर्ट एक चौकी पहल है। इन प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित होबा आला छात्र दुर्घटना में घायल लोगों खातर जीवनदाता बनेला। इन मौका माते बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण पंजीयन पोर्टल रो भी शुभारंभ करे। प्रदेश में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु आंशिक बादल छाया हुआ है। वटई हवा में नमी भी बढ़ गई है। कई जोड़ा माए सिंजिया आंधी भी चाली। श्रीगंगानगर, पिलानी, सीकर और बीकानेर माए हल्की बिरकावी। हालांकि दिन और रात का तापमान माए बढ़ोतरी दर्ज करी जा रही है। मौसम महकमारे मुजब लाडला 24 घंटा माए सबसू 32 तापमान, बारह रा अंता माए 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करे गयो। और आयोग फिर सु जोबा मोटी खबर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में गठित एक देश एक चुनाव समिति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सौंपी आपरी रिपोर्ट। लोकसभा, राज्यसभा और पंचायत चुनाव एक साथ है कराबारी संभावना माते दीनी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से करेला संवाद। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने ऋण भी करेला वितरित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल रो करया शुभारंभ। कार्यक्रम रो प्रदेश का कई जुड़ा माय करे गयो प्रसारण। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नवी दिल्ली में आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की संशोधित वेबसाइट रो करया शुभारंभ। प्रसार भारती प्रसारण खातर साझा ऑडियो वीजर शब्द भी करया जारी। प्रदेश में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ रा असर से छाया हुआ आंशिक बादल। कई जोड़ा में आंधी चलवारे साथ भी हल्की बिरखा। चैनल मिलिटेंट मैत्रिच नमस्कार।